नमस्कार, मैं रंजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मथुरा के थाना गोवर्धन के जतिपुरा में कोली मोहल्ला में हरियाणा के गन्नौर थाने के रहने वाले बिल्डिंग ठेकेदार शिवम कुमार उर्फ काले उम्र 40 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब एक वर्ष से वहां पर काले रह रहा था। वहीं हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस और मथुरा फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड। घटनास्थल पर SP क्राइम राधेश्याम राय पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। क्या घटना हो गई है अभी? अभी मैंने सुबह पानी सप्लाई चालू करने आया था, तो मैंने गेट खुला हुआ था। मैं डेली इनसे बोलता था, मतलब जब भी आता था कि काले भैया, मतलब आवाज़ देता था एक, मतलब हमारे जान पहचान होने के नाते। तो आज मैंने इनको देखा तो गेट खुला हुआ था, तो इन्होंने के इसमें सर पे मतलब ब्लड निकला हुआ था। मुझे फिर डाउट हुआ कि लगता है इनकी मतलब कोई कांड हो गया है। तभी इसके बाद मैंने यहाँ पे जो जतिपुरा प्रधान जी है उनसे संपर्क किया। उसके बाद हमारे जो बॉस हैं उनको मैंने बताया, फिर थाने में इन्फॉर्म किया। अच्छा, ये बताइए कैसा प्रतीत हो रहा है, प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है, कितनी गोलियां लगी हैं और कैसे घटना लग रहा है कि जो इनको कम से कम 3-4 गोलियां लगी हुई है इनको पेट में, क्योंकि कंबल भी छेद है, पेट में भी है। तो क्या कुछ पता चल पाया है? नहीं, मैं तुमसे कुछ पता नहीं चल पाया, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं। आप कितने बजे आए थे? मैं सुबह 8 बजे लमसम आया था। क्या चैन वगैरह भी गले में पाई गई है, चैन से मारने का प्रयास ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया दिख रहा है? नहीं, मैं तो उनको ध्यान से देखा भी नहीं, मैं तो दूर से ही देखा हूँ। मैंने उनके पर्सनल जाके देखा भी नहीं, अभी तक मेरे कुछ देखा। अच्छा, नहीं। क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये है हरियाणा के और यहाँ जतिपुरा में बिल्डिंग वाला काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो किसके अंडर में बना रहे थे ये बिल्डिंग? ये कोई मनोहर बागड़ी जी है, उनका बना रहे थे। कोई कंपनी वगैरह? कंपनी नहीं है, वो किसी घर बना रहे थे, वो किसी के यहाँ पे घर है, वो घर बना रहे थे। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं ये? ये तो अभी आए 2-3 महीने हुआ इनको यहाँ पे आए हुए। अच्छा, हाँ। और ये मकान जो रह रहा है वो मकान किसका है? मकान तो हमारे जहाँ मैं जॉब करता हूँ, हमारे बॉस का है। क्या नाम है उनका? सुशील भाई। तीजे भाई के पीछे जी सब जतिपुरा में क्या काम हुआ है, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है, प्रथम दृष्टया कैसा नजर आया है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो हत्या हुई है। ये शिव कुमार हैं, उम्र इनकी करीब 45 साल है, सोनीपत के हरियाणा के रहने वाले हैं। ये रात में ये दरवाज़ा खोल के ही सोते हैं, हमेशा दरवाज़ा खोल के सोते हैं। रात में ये दरवाज़ा खोल के सोए थे, कंबल ओढ़े हुए थे, कंबल के ऊपर से इनको कई गोलियां मारी गई। कारण? कितनी गोलियां? लगभग 3 गोलियां तो अभी पता चली हैं, 3 से भी ज़्यादा हो सकती है उसकी कर रहे हैं। पंचायतनामा में पता चल जाएगा, पंचायतनामा के बाद पता चल जाएगा कितनी गोलियां लगी उसके। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ खून के निशान नहीं दिखे हैं, तो क्या क्या लग रहा है कि यहीं पर हत्या हुई है या फिर कहीं से कोई हत्या? नहीं, यहाँ पर सोते समय ये कंबल ओढ़ के सोए थे, यहीं पर हत्या हुई है, कंबल के ऊपर से गोली मारी गई है।